हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अन अकेडमी के नीट यूजी क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं शुभम श्रीवास्तव। और अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्या करते आए हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो हमारी प्रिपरेशन को और बेटर बनाए। ठीक है, यहाँ पर हम किसी टॉपिक को पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। यहाँ हम लोग केवल और केवल क्वेश्चन के थ्रू अपने जो भी तैयारी है उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, रिवाइज करने की कोशिश करते हैं और उसको और भी शार्प करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज के क्रम में अभी तक मैंने आप लोगों को सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल बॉन्डिंग करा दिया है। और कल रात में मैंने स्टार्ट कराया था आप लोगों को स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करा दिया है और स्टेट्स ऑफ मैटर में अभी हमने पार्ट वन कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट टू और रात में डिस्कस करेंगे पार्ट थ्री। ठीक है, तो जो लोग अभी इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं उनको हम बता दें कि यहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि आपके पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करा दिया जाए क्वेश्चंस के थ्रू, और उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपको पूरे डिटेल सॉल्यूशन के साथ दे दिए जाएं, ताकि आप एक बार अगर इस वीडियो को देखें तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड आपका जो भी डाउट है, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी डाउट है वो दूर हो जाए। ओके, तो आज की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर का ही हम डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले कुछ एक महत्वपूर्ण बातें बता दूं कि जैसे कि मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 रही है केमिकल साइंसेज CSIR नेट में। और इसके साथ साथ आप जैसे बच्चों को मैं पिछले 7 सालों से ज़्यादा से पढ़ा रहा हूँ और अभी तक रिजल्ट अच्छा रहा है, बाद में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लोगों का वेलकम है इंडिया के सबसे अच्छे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जो कि है अन अकेडमी। और अन अकेडमी पे हम लोग अपनी तैयारी को कोरोना से बचते हुए करते हैं, घर पे बैठ के आपको तैयारी करनी है और आपको क्वालिटी एजुकेशन यहाँ मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ आप उसको अपने मोबाइल ऐप पे भी कर सकते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन विल बी द बेस्ट फॉर एवरीवन। यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, यहाँ आपको वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, आपके तैयारी को चेक करने के लिए लाइव टेस्ट और क्विजेज हैं, और साथ ही साथ अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो उसके लिए आपको मिलते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस जिनका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन मेरे नाम पे लेते हैं तो केवल मेरा वीडियो नहीं देख सकते, आप नीट यूजी प्लेटफॉर्म पे जितने भी एजुकेटर्स अवेलेबल हैं सबके वीडियोस को, सबके मटेरियल को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो आपके पास ये ऑप्शन भी देता है बहुत सारे, और अच्छे सारे एजुकेटर्स ही अच्छे हैं, सबके पास क्वालिटी मटेरियल्स हैं, क्वालिटी एजुकेशन आपको दे रहे हैं। और प्लस सब्सक्रिप्शन अगर जिसने नहीं लिया है तो उसको मैं बता दूं, आप जो फीस बाहर देते हैं उससे बहुत ही कम पैसों में आपको ये मिल जाता है। ठीक है, 2 साल का आप देखिए कितने कम पैसे में है, तो प्लीज़ आप लोग 2 साल या 1 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन बेनिफिशियल नहीं होगा, 1 महीना तो आपको टीचर को समझने में लग जाता है और पता चला तब तक आपके ये पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। तो आप 2 साल के लिए जाइए, 2 साल में आप बहुत ही डिटेल में तैयारी कर सकते हैं, 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको बहुत कम पैसों में मिल भी रहा है। और साथ ही साथ अगर जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो प्लीज़ मेरा कोड यूज़ कीजिए SHUBH, और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, क्योंकि तभी मेरा ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू हो पाएगा प्रॉपर वे में, वरना बीच में रुक सकती है ये सीरीज़। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिया है तो प्लीज़ मेरे नाम पर लीजिए, और जिनको आप जानते हैं वो चाहे जिस भी कोर्स में लेना चाहते हो, ये वाला जो मेरा कोड है SHUBH ये हर कोर्स में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इसको करिए। ठीक है, और किसी भी कोर्स में आप इस कोड को लेके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कराया जा सके। क्या फरीद सर, हमको अन अकेडमी पर आपका लाइव क्लास नहीं मिला, हमने सर्च भी किया। अभी तो लिया यार मैंने, मतलब लेकिन वही 1 घंटे की क्लास थी तो मैं 40 मिनट ही ले पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो गए थे। तो कोई नहीं, अभी जाके देख लेना फिर से दिख जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के नाम पे मैंने वो उसकी टैगिंग कर रखी थी, हाँ स्पेशल क्लास में था, और अगली क्लास में मैं उस पर प्रैक्टिस कराऊंगा काफ़ी सारी और टाइम ढंग से उस पर लूँगा। ठीक है, अब की बार टेक्निकल इशू नहीं आने दूंगा। ठीक है, इस बाती क्वालिफाई मार्क्स कितने हो सकते हैं? यार क्वालिफाई मार्क्स तो बहुत कम होते हैं क्या साहिल? ठीक है, तो यार पढ़ रहे हो तो जितना मैं बता रहा हूँ इतना पढ़ लोगे ना तो तुम खाली केमिस्ट्री में क्वालिफाइंग मार्क्स को, केमिस्ट्री और थोड़ा बहुत बायो कर दोगे क्वालिफाई कर जाओगे, बड़े आराम से कर जाओगे। ठीक है, मेरा कहना है यार अच्छे पढ़ रहे हो तो अच्छे से उसके लिए जाओ ना,
हाँ क्वालिफाइंग मार्क्स तुम्हारा 300 350 से ज्यादा नहीं होता मैक्सिमम, बहुत ये तो मैं ज्यादा बता रहा हूँ, शायद 200-250 नंबर इसका क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, ठीक है? तो क्वालिफाइंग तो हो जाएगा। तुम 250 से 300 सेफ मान के चलो, और 250 से 300 मतलब 2 महीना पढ़ाई करके भी कोई निकाल सकता है यार, ठीक है? ओके, तो प्लीज आप लोग मेरी क्लासेस को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं करिए, उसी से मतलब ये लेक्चर आगे कंटिन्यू हो पाएगा, ठीक है? अब मैं बस इतना कह ही सकता हूँ, ठीक है? बाकी आगे बढ़ते हैं। हाँ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने में ज्यादा मजा आता है रेदर बात करने के, है ना? देखो, अ सैंपल ऑफ गैस ऑक्युपाइज 10 लीटर अंडर अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फियर प्रेशर, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम इफ द प्रेशर इज इंक्रीज टू 2 atm, अज्यूमिंग दैट टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कॉन्स्टेंट डज नॉट चेंज। तो रिविजन में हम लोग आ चुके हैं, रिविजन मोड में, और जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तो हमारा बॉयल्स लॉ यूज होता है, और बॉयल्स लॉ क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब हुआ P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो भैया ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, वॉल्यूम 10 लीटर था और 1 एटमॉस्फियर प्रेशर था, अब की बार 2 कर दिए तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 5 लीटर हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो मुंह जबानी वाला क्वेश्चन था, आप बिना सॉल्व किए कर सकते थे। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आज की सीरीज में मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, तो प्लीज आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा ना, ठीक है? अभी तो ये पहला क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वालिफाइंग मार्क्स तो कभी देख लेंगे यार, अभी पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ना। हाँ तुम लोग भी जो है वो क्या बोलते हैं, एक श्लोक नहीं पढ़े वो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगस्तु कर्मणि। तो आपको कर्म पे ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है? फल की चिंता करना जब एग्जाम दे लेना, है ना? अभी पहले प्रैक्टिस कर रहे हो तो पहले प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? कल ये कर चुके थे, कहाँ किए थे, ये वाला नहीं किए थे यार, कल दूसरी सी दूसरा क्वेश्चन था, है ना? अ गैस एट प्रेशर ऑफ 5 एटमॉस्फियर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 546 डिग्री सेल्सियस एंड साइमल्टेनियसली कंप्रेस्ड 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, हेंस फाइनल प्रेशर इज। तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि नीट में बहुत बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है? सो उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश किया कीजिए बस, ठीक है? ये प्रणवी बस अभी स्टार्ट हुआ है, ज्यादा देर नहीं हुआ, ये क्वेश्चन देख लो। तो अभी क्या कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस, तो एक एक रिलेशन याद रखना हमेशा, ठीक है? हाँ, तो एक होता है P1V1 by T1 इज इक्वल टू P2V2 by T2, ये लगेगा यहाँ पर, ये हमेशा लग जाता है। तुम चाहो तो देख लो, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो तो P1V1 बराबर P2V2, प्रेशर कांस्टेंट कर दो तो V1 by T1 बराबर P2 by T2 हो जाएगा, ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये जनरल इक्वेशन है, इससे हम 2 कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं। तो कह रहा है कि प्रेशर गैस का P1 5 एटमॉस्फियर था और उस समय उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने बताया डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेशन नहीं करते, किसमें करते हैं, केल्विन में करते हैं, तो 273 केल्विन हो जाएगा, ठीक है? तो वॉल्यूम इसका मान लेते हैं वी था, ठीक है? अब क्या किया गया, प्रेशर पूछ रहा है कि फाइनल प्रेशर क्या होगा, और टेम्परेचर T2 क्या कर रहा है, T2 546 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है, तो यानी कि 546 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 6 3 9 7 4 11 और 1 8 819 केल्विन हो जाएगा। और कह रहा है कि V2 को 1/3 कर दिया गया है, V था तो V/3 कर दिया गया है, तो P2 कितना होगा। सो बस अब वैल्यूज को पुट कर दो, वो जो जनरल इक्वेशन मैंने बताई, P1 5 है, B1 कितना है V है, और T1 कितना है 273 है। P2 हमको पता करना है, V2 दिया हुआ है V/3 है, और T2 कितना दिया हुआ है 819 दिया हुआ है। तो भैया 273 3 जा होता ही है ना, और V से V कैंसिल हो जाएगा, तो P2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तुम्हारा P2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 × 9 यानी कि 45 atm आ जाएगा। सो सी नहीं होगा, 45 atm होगा, तो 45 atm यहाँ पर बी ऑप्शन दिया हुआ अपर्णा जी, ठीक है? तो आप ध्यान से क्वेश्चन देखिए ना, आंसर सही करके पता चला ऑप्शन गलत मार के आ गए मेरी तरह, तुम लोग तो गलत हो जाएगा ना। अभी पिछले कुछ सीरीज में मुझसे ये गलती हुई थी, मैं सॉल्व सही कर रहा था और ऑप्शन गलत मार दे रहा था, तो प्लीज ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख लो एक बार सब लोग ध्यान से इसको। कह रहा कि हाउ मच शुड द प्रेशर बी इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस बाई 5 डिग्री सेल्सियस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का मतलब अभी मैंने बताया P1V1 बराबर P2V2, बॉयल्स लॉ।
तो यहाँ भी बॉयस लॉ लगेगा, बस थोड़ा सा ये परसेंटेज परसेंटेज में घूम जाते हो तुम लोग। तो पी वन अगर हम पी मान लेते हैं है ना, सो पी टू क्या कह रहा है, पी टू कह रहा है कि हाउ मच शुड इट बी इंक्रीज, तो हमको नहीं पता कितने से, डेल्टा पी पूछा है, एक्चुअली इंक्रीज पूछा है, तो यानी कि डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 पूछा है ना, परसेंटेज इंक्रीज पूछा, तो परसेंटेज इंक्रीज पी टू नहीं होता, परसेंटेज इंक्रीज का मतलब होता है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्रेशर इंटू 100, ये निकालना है हमको, तो उसके लिए पी टू तो निकालने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी है ना। अब वी वन अगर वी दिया हुआ है तो ये कह रहा है कि फाइनल जो वॉल्यूम हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डिक्रीज बाई 5%, तो वी से 5% ऑफ वी कितना होता है, इतना हो जा रहा है, तो नया वाला जो वॉल्यूम हो रहा है वो हो रहा है 19V/20 है ना, तो कितने से बढ़ाया गया, तो भाई पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू लगाओ, तो पी इज इक्वल टू आ जाएगा पी टू 19V/20, तो यानी कि नया वाला जो प्रेशर है पी टू है वो है 20P/19, 20P/19 नया प्रेशर है, तो चेंज इन प्रेशर कितना आ गया, चेंज इन प्रेशर का मतलब होता है पी टू माइनस पी, तो 20/19 माइनस पी कितना हो जाएगा 1/19 पी, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आ गया, परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा 1/19 × 100, और इसको सॉल्व करोगे तो 5.26% आएगा, समझे, तो ये मत कर देना 5% से इंक्रीज कर गया तो 5% डिक्रीज होगा, एक्चुअली 5.26% क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तब जाके 5% तुम्हारा ये हो रहा है, और कैलकुलेशन आपके सामने है पूरी, ठीक है। तो अपन 0.05 टाइम्स नहीं, टाइम्स नहीं है ये 0.0526 टाइम्स है, ठीक है, सो बी प्रिसाइज, क्योंकि आपके हिसाब से आंसर ऑप्शन वन होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन वन करेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन टू करेक्ट है, 5.26% इज द करेक्ट वन है ना। चलते बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, आई होप सबको समझ आ गया होगा ये, तो देखो ये तो डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, व्हेन द टेम्परेचर इज रेज थ्रू 1°C द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय क्या बोलते हैं 1/273 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम दिस इज, तो भैया कांस्टेंट टेम्परेचर माने बॉयल्स लॉ, और यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट है तुम्हारा प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब होता है चार्ल्स लॉ, ठीक है, तो यानी कि ये चार्ल्स लॉ करेक्ट हो जाएगा, ये ऐसे ही देख के हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट अ नियॉन गैस सैंपल बी हीटेड टू डबल इट्स प्रेशर इफ इट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 75°C इज डिक्रीज्ड बाई 15°C, ठीक है। सो अब देखो यहाँ क्या क्या दे रखा है, कंडीशंस क्या क्या दे रखी है, टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट अ नियॉन गैस सैंपल बी हीटेड, तो T2 हमको नहीं पता है, और T1 दिया हुआ है 75°C, 75°C का मतलब हो गया 75 + 273 केल्विन, यानी कि 5, 3, 8 और 7, 7, 14 और 348 केल्विन है ये, ठीक है। नियॉन गैस सैंपल टू डबल इट्स प्रेशर, P1 अगर P दिया हुआ है तो हमको P2 जो है 2P करना है, ओके, और V1 अगर V दिया हुआ है तो V2 तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको निकालना क्या है, V2 बाई V इंटू 100 निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज बाई, तो डेल्टा V दिया हुआ है 15%, तो यानी कि जो V2 है वो V ये है V माइनस 15V/100, यानी कि आ जाएगा 17V/20, ठीक है। सो अब क्या करना है हमको, अब वैल्यूज पुट कर देनी है, कहाँ पर, P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2 में, तो रखो तो P और V बाई T1 मतलब 348 और P2 का मतलब 2P और V2 का मतलब 17V/20 और T2 अभी हमको पता नहीं है, तो V और P से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा है ना, सो T2 तुम्हारा आ जाएगा 348 × 1.7 केल्विन, 348 × 1.7 केल्विन, सो जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी आती है, 348 × 1.7, सो ये आ रहा है करीब करीब 591.6 केल्विन आ रहा है, मतलब कि 592 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन वन करेक्ट होगा यहाँ पर, ओके,
ये सब क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखा करो। देखो कुछ नहीं है, ये खाली गुणा गणित का क्वेश्चन था, है ना। अब घटा के देख लो, ऑप्शन में डिग्री सेल्सियस में नहीं दिया हुआ है तो आप क्यों कान को जो है उल्टा पकड़ रहे हो फालतू में, है ना। ऑप्शंस में केल्विन में दिया हुआ है तो गो फॉर केल्विन ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, ये भी ये परसेंटेज और सेंटेज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको करने से ना हमारा कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है, चीजें मतलब हमको बेटर वे में समझने आने लगती हैं, क्योंकि हमने घुमा के क्वेश्चन को किया है ना। तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन को जितना अच्छे से करोगे उतना बढ़िया समझ में आएगा। तो देखो क्या कह रहा है कि व्हेन अ गैस फिल्ड इन अ क्लोज्ड वेसल इज हीटेड थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो मान लो T1 T है, तो T2 जो है ना वो T+1 है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाना या घटाने की स्केल पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन बराबर हो जाते हैं, पता है ना। ये चीज नहीं पता तो जान लो, अगर टी इज इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस है तो टी इज इक्वल टू 473 केल्विन होगा, लेकिन अगर डेल्टा टी 10 है, 10 डिग्री सेल्सियस है, तो डेल्टा टी 10 केल्विन भी होगा। चेंज स्केल पे दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तुम खुद देखो, अगर ये चीज का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो 273 केल्विन हुआ, और T2 मान लो तुम्हारा 10 डिग्री सेल्सियस है तो ये 283 केल्विन हुआ, लेकिन जो डेल्टा टी आएगा वो 10 डिग्री सेल्सियस होगा और यहाँ 283 माइनस 10 केल्विन होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि एब्सोल्यूट पे दो 273 ऐड करते हैं, लेकिन जो है जब चेंज स्केल पे होता है तो चेंज स्केल पे आपका ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना चेंज स्केल पे। सो आपका T2 ये दिया हुआ है, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर P1 P दिया हुआ है, तो P2 बोल रहा है कि 0.54% बढ़ा दिया गया है, तो नया वाला जो P है वो 0.4 P/100 है। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस, इट्स प्रेशर इज इंक्रीज व्हेन अ गैस, क्लोज्ड वेसल है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। क्लोज्ड वेसल का मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, क्लोज्ड वेसल, ठीक है। तो अब कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2, तो लगा दो P डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 100.4 P इंटू 100, है ना, T1 by P2, और T1 by T2 लगा दो तो T by T+1, है ना, सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 100 T+100 इज इक्वल टू 100.40, तो ये आ जाएगा 0.40 इज इक्वल टू 100, है ना। तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 4, 250 केल्विन है ऑप्शन, हाँ 250 केल्विन ऑप्शन दिख रहा है। सो ऑप्शन वन अपना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट वन। सुधीर सिंह, यार मैं नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ इसे किसी इंस्टीट्यूट का, ठीक है, यहाँ कभी नहीं पढ़ाया मैंने, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट NTP occupies 22.4 लीटर। तो मैंने जब मोल कंसेप्ट पढ़ाया था तो मैंने आप लोग को बताया था कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज नॉट यूनिट ऑफ मास, इसका मतलब होता है 1 मोल, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटम का मतलब मोल होता है, ठीक है। तो NTP पे ये 22.4 लीटर ऑक्युपाई करता है, और ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये अवोगैड्रो हाइपोथेसिस से लिया गया, ठीक है। सो इसमें ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। अ सैंपल ऑफ गैस एट 1.2 एटीएम एंड 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस, इट्स फाइनल वॉल्यूम इज फाउंड टू बी इतना, व्हाट वाज इट्स इन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो देखो क्या कह रहा है, ओरिजिनल वॉल्यूम इसको पता ही नहीं है, तो V1 हम V मान लेते हैं, V2 दिया हुआ है 4.75 लीटर, है ना, प्रेशर दिया हुआ है 1.2 एटीएम, है ना, और यही कांस्टेंट है, यानी कि यही P2 भी है ना। तो और T1 दिया हुआ है तुम्हारा 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 300 केल्विन, और T2 दिया हुआ है इसको 57 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया गया, गर्म किया गया, यानी कि 330 केल्विन हो गया, है ना भैया। तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या फॉर्मूला लगता है, V2 by T2 इज इक्वल टू V1 by T1, है ना, तो यही लगा दो, तो 4.75 डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई
एक सेकेंड, ये 330 होगा, ये 300 होगा, इनिशियल पूछा हुआ है ना। तो ये देखो, ये 30 से अगर काटो तो 11 टाइम्स जाएगा और ये 10 टाइम्स जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा v इज इक्वल टू 47.5 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 चौक 44 और ये 4.32 लीटर आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। भाई सबको ये वाला क्वेश्चन आ गया समझ में ना? हाँ, किसी को अगर नहीं समझ आया तो प्लीज यस या नो लिख के बता दीजिए आप लोग, यस या नो लिख के बता दीजिए। जल्दी से यस या नो में जवाब दीजिए भाई, तब मैं आगे बढ़ूं। आज फरीद क्लास नहीं ले रहा है क्या? अच्छा है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विच कर्व शोज चार्ल्स लॉ? तो भैया चार्ल्स लॉ होता क्या है? V इज प्रोपोर्शनल टू टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, है ना। सो ऐसा कौन सा ग्राफ है जो आपको दिख रहा है यहां पर? V इज प्रोपोर्शनल टू टी। सो भैया V इज प्रोपोर्शनल टू टी, V और T का ग्राफ ये होना चाहिए था, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत है। V और 1 बाई टी में कैसा आ रहा है? तो देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। V और T, ये इसको अगर हम लिखें तो V 1 अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। सो अगर हम 1 बाई टी को x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? V x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, है ना। और V x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ये बताओ सबको ऑप्शन 2 समझ आया ना, ये कैसे हुआ? लगता है समझ आया ही है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यहां देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये V और T में ग्राफ नहीं था, ये V और 1 बाई टी में ग्राफ था। तो V और 1 बाई टी में ग्राफ भी ये एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का आएगा, तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, कल इस तरीके का क्वेश्चन हम कराए थे, कह रहा है 1, 2, 3 आर थ्री आइसोथर्म्स रेस्पेक्टिवली T1, T2, T3, वॉट विल बी टेम्परेचर में रिलेशन क्या होगा? तो भैया पी कॉन्स्टेंट कर दो, कीपिंग पी कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट पी पे टी और वी क्या होते हैं? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां परपेंडिकुलर गिराओ, यहां परपेंडिकुलर गिराओ, ठीक है। सो ये जो है, ये है वी थ्री, ये है वी टू और ये है वी वन। यहां से हमको क्या पता चल रहा है? वी वन इज ग्रेटर देन वी टू इज ग्रेटर देन वी थ्री, वी थ्री सबसे कम है। और कॉन्स्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं ना। सो इसका मतलब टी वन क्या होगा? हाइएस्ट होगा, फिर टी टू क्या होगा? T3 होगा। सो ऑप्शन अपना कौन सा करेक्ट हो जाएगा? T3 सबसे छोटा है, T1 सबसे बड़ा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मैंने बताया था ना, इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हो, वॉल्यूम कांस्टेंट करके ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो तो प्रेशर तुमको पता चल जाएगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होते हैं, सेम आएगा आंसर, ठीक है। तो दोनों वे में किया जा सकता है इसको। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है। द क्वेश्चन इज सेइंग कि 2 ग्राम ऑफ अ गैस ए इंट्रोड्यूस्ड इन evacuated flask at 25 degree Celsius. The pressure of the gas is 1 atmosphere pressure. Now 3 gram of another gas be introduced in the same flask. So the total pressure becomes 1.5. The ratio of the molecular mass of A and B is. ठीक है? So A और B का molecular mass हम A और B ही मान लेते हैं, ठीक है। तो A by B आपको निकालना है। हमारा target क्या है? हमारा target है इस question में A by B निकालना, ठीक है। अब दो अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, भैया दो अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, इवैक्यूएटेड फ्लास्क है, मतलब ये वाला जो फ्लास्क है बिफोर एडिशन ऑफ एनी गैस, बिफोर एडिशन यहां जीरो था प्रेशर, ए ऐड किया गया, जब ए ऐड किया गया कितना ऐड किया गया? 2 ग्राम ऐड किया गया 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें कितना पाया गया? 1 एटमॉस्फेयर पाया गया, ओके। और जब इसमें ए और बी दोनों ऐड कर दिए गए तो 2 ग्राम ए था और इसमें 3 ग्राम बी डाल दिया गया, अब प्रेशर कितना हो गया? टोटल प्रेशर बिकेम 1.5 एटीएम। तो इसका मतलब हो गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए तुम्हारा कितना था? 1 एटीएम था, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना हो गया? 0.5 एटीएम हो गया, ठीक है।
और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हम जानते हैं पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू एक्स आई और एक्स आई डिवाइडेड बाई क्या, एक्स आई इंटू टोटल प्रेशर होता है। तो यानी कि अगर पी ए बाई पी बी तुम्हारा 2/1 है तो एक्स ए बाई एक्स बी भी क्या होगा, 2/1 होगा। और यहां पे एक्स ए बाई एक्स बी क्या होगा, एन ए बाई एन बी होगा। और एन ए बाई एन बी क्या होगा, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ए, मास ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ बी, एंड इट इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा भैया, 2a इज इक्वल टू 6/b। सो a बाई बी कितना आ गया, 2/6 यानी कि 1:3। सो 1/3 विल बी द आंसर, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट वन। कितने लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ आया है प्लीज आंसर में लिख दीजिए, है ना, समझ आया है या नहीं समझ आया है, यस और नो। परी सी नहीं करेक्ट होगा, हाँ सी नहीं करेक्ट होगा, क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन बी 1:3 इज द करेक्ट आंसर। या तो आप गलत हैं या तो मैं गलत हूं, एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए कौन गलत है। हाँ सबको आ गया समझ में ये, यस या नो बता दो भाई, है ना, हाँ पढ़ना सही है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, नहीं आया वो पहले का था ऋषिका, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया। देखो देखो ध्यान से देख लो, देखो 2 ग्राम ऐड कर रहे थे ना जब, तब तो उसमें पहले कुछ नहीं है, देखो के कंटेनर में जब ए 2 ग्राम ऐड किया गया तो 1 एटमॉस्फियर प्रेशर हो गया। तो ये 2 ग्राम के चलते जो 1 एटमॉस्फियर प्रेशर है ये खाली और खाली किसका है, ए का है। और जब इसी में और 3 ग्राम ऐड कर दिया गया तो प्रेशर 0.5 हो गया। तो 1 से अगर 1.5 हो रहा है तो यानी कि 0.5 किसके चलते आया, बी के चलते आया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मैंने लिख दिया 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिख दिया बी 0.5। तो इनका रेशियो कितना आ गया पार्शियल प्रेशर का, 2:1 हो गया। अब डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तुम जानते हो ये होता है ना। सो जो रेशियो पार्शियल प्रेशर का होगा वही रेशियो मोल फ्रैक्शन का होगा, हम ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते थे इसलिए ये अप्रोच लेके चले, है ना। तो ये मोल फ्रैक्शन का रेशियो है तो मोल्स का रेशियो भी यही होगा। और मोल्स का रेशियो मतलब मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास। अब मास बाई मोलर मास मैंने सॉल्व कर लिया, लो ये काम आ गया, मोलर मास ऑफ ए ए माना था, मोलर मास ऑफ बी बी माना था, अब आ गया होगा समझ में। चलो ठीक है, देखो कह रहा है कि विच मिक्सचर ऑफ गैसेस एट रूम टेम्परेचर डज नॉट ओबे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो भैया नॉन रिएक्टिंग गैसेस जो होती खाली वही फॉलो करती है। अगर कोई किसी भी तरीके का रिएक्शन शो कर रहा है, कंबाइन हो रहा है ना, डाइमराइजेशन शो कर रहा है, डिसोसिएशन शो कर रहा है, तो वो आपके डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो नहीं करेगा। और सबको भली भांति पता है कि जब अमोनिया और HCl का रिएक्शन कराया जाता है तो क्या होता है, तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है सफेद रंग का। तो इसलिए इसका मतलब ये रिएक्शन कर रहा है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं, मतलब डाल्टन लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके भाई चलते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन अ फ्लास्क कंटेनिंग 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ SO2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2/2 1 मोल हो गया। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कितना हो गया, 32/64 0.5 मोल हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन का पूछ रहा है तो टोटल प्रेशर मान लो पीटीपी है। तो अभी हम लोग क्या, अभी पिछले कुछ क्वेश्चन में पढ़े कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, टोटल प्रेशर इंटू 1/1.5, ये आ जाएगा 2/3p। तो पार्शियल प्रेशर क्या है टोटल प्रेशर का, 2/3 है। तो 2/3 है तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबको आया समझ में, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिसको नहीं आया है प्लीज पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बल्ब्स ऑफ वॉल्यूम 5 लीटर एंड 10 लीटर कंटेनिंग एन आइडियल गैस एट 9 एटमॉस्फियर एंड 6 एटमॉस्फियर रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर इन द 2 बल्ब्स इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो देखो पहले कंडीशन क्या है, ये बल्ब ए है, ये बल्ब बी है। ठीक है, बल्ब ए का वॉल्यूम है 5 लीटर
और वाल्व बी का है 10 लीटर। इसके अंदर प्रेशर है 9 एटमॉस्फियर और इसके अंदर प्रेशर कितना है 6 एटमॉस्फियर है ना। तो जब इनको तुम कनेक्ट कर दोगे तो जो अब ये एक सिस्टम बन गया तो ये 15 लीटर का हो जाएगा, लेकिन हमको प्रेशर नहीं पता है। तो चलो बिफोर कनेक्शन वाली बात देख लेते हैं। बिफोर कनेक्शन ठीक है, फॉर ए प्रेशर कितना है 9, वॉल्यूम कितना है 5, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, N1 मान लेते हैं, R T मान लेते हैं ठीक है। फॉर बी प्रेशर कितना है 6, वॉल्यूम कितना है 10, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, N2 मान लेते हैं, R T। आफ्टर कनेक्शन भाई टोटल वॉल्यूम हो जा रहा 15 लीटर है ना, लेकिन प्रेशर नहीं पता, पी मान लेते हैं। टोटल वॉल्यूम है N1 + N2, आर वही रहेगा, टेम्परेचर बोला गया कांस्टेंट। सो अब हम क्या करेंगे, 15P = N1 + N2 करेंगे। सो N1 + N2 अपना आ जाएगा यहां से 45/RT N1 हो जाएगा प्लस 60/RT तुम्हारा N2 हो जाएगा और RT कॉमन, RT से RT कट गया तो 15P = आ गया अपना 105। सो P = कितना आ गया 7 एटमॉस्फियर। सो फाइनली ये कितना हो जाएगा 7 एटमॉस्फियर हो जाएगा। बहुत लोग जो पढ़ के नहीं जाते हैं वो यही जोड़ के चले जाते हैं 9, 6, 15 नया प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है। तो 7 एटमॉस्फियर इज द करेक्ट आंसर, आई होप सबको समझ आ गया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉन रिएक्टिव गैसेस ए एंड बी आर प्रेजेंट इन अ कंटेनर विद पार्शियल प्रेशर 200 एंड 180 mmHg। व्हेन अ थर्ड नॉन रिएक्टिव गैस इज एडेड देन द टोटल प्रेशर बिकम्स 1 एटमॉस्फियर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सी वुड बी। सो अभी मैंने बताया डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर किस इक्वेशन से गवर्न होता है, PI = xiPT है ना भैया, और PT = क्या होता है समेशन ऑफ PI सारी गैसेस का क्या। तो फाइनल कितना हो जा रहा है 1 एटमॉस्फियर मतलब 760 mmHg। तो बोल रहा है 760 mmHg हो रहा है, ये क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी नहीं पता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना हो जाएगा 760 - 380 यानी कि 380 mmHg। तो भाई आपका XC कितना आ जाएगा PC / PT ना, PC कितना आ गया 380 आ गया और ओवरऑल कितना है 760 है तो यानी कि 1/2 0.5। सो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा C का 0.5 यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आज कोई है नहीं क्या क्लास में, एकदम से गायब है क्या सब लोग, कोई जवाब ही नहीं दे रहा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ए एंड बी ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स 181 रिस्पेक्टिवली आर इन द रेशियो ठीक है। सो ये कल हम बताए थे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, RA/RB = क्या होता है √MB/MA, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट का ठीक है। सो ये लग जाएगा तो ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा 81/100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9/10। सो 9:10 होगा रेशियो, ये है अपना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा यहाँ पर। सभी लोगों को आ रहा होगा समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस डिफ्यूजेस इन 10 सेकेंड and 100 ml of gas x diffuses in t second, so gas x and time t can be ठीक है। so अब देखो क्या कह रहा है कि भैया rate of diffusion of oxygen कितना हो जाएगा 100/10 यानी कि 10 ml/s है okay, और rate of diffusion of x gas कितना है
हंड्रेड बाई टी से एमएल पर सेकेंड है। ओके तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स आएगा वो आएगा अंडर रूट मोलर मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, और इसी को अगर चाहो तो 10 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई टी लिख सकते हो, यानी कि टी बाई 10 भी आएगा। सो ये क्वेश्चन आपको पुट करके चेक करना है ना, इसमें ऐसे कुछ नहीं है सॉल्व करके आ जाएगा। हर ऑप्शन को हमको चेक करना है, हर ऑप्शन को हमको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठ रहा है। ठीक है, सो हर ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन जो था इसमें जो जो है दिमाग लगाया होगा कि लाओ ऐसे निकाल लेते हैं। अब ये जादू थोड़ी ना है कि वो लिख के दे देगा कि हाइड्रोजन है। सो जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको एनालॉजी लगानी होती है, और इस क्वेश्चन में ऑप्शंस को आप रख के तुरंत चेक करना शुरू कीजिए, टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए। सो आइए रख के देखते हैं। अगर हाइड्रोजन ले लेते हैं तो हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है। ठीक है, सो 2 होता है तो ये 1/4 रेट आना चाहिए, है ना, 1/4 टाइम्स आना चाहिए। और 2.5 सेकंड रख दो तो 2.5 रख दोगे तो 100 बाई 2.5 40 हो जाएगा, सही नहीं है, है ना। और SO2 अगर हम 32 रख देते हैं, 64 रख देते हैं तो अंडर रूट 2 टाइम्स बाई 16 नहीं सही आ रहा है। सो ये शायद HE के लिए आता है सही, है ना, 4 सेकंड हर एक ऑप्शन रख के चेक कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 10 ml पर सेकंड। हाइड्रोजन का जब भी आएगा तो 4 टाइम्स आना चाहिए। अरे हाइड्रोजन वाला ही करेक्ट होगा, सही तो है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन आप ऑप्शन रख के देखिएगा, एकदम सही हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन है और अगर ये हाइड्रोजन होता तो ये 2 हो जाता तो 1/4 टाइम्स आता। अब देखो तो ये कितना हो जाता, अगर ये 2.5 सेकंड रखते 40 आ जाता, तो ये 10/40 1/4 आ जाता, तो ये हमारा ऑप्शन में सटीक बैठ रहा, बाकी सारे देखो गलत बैठ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप हमेशा ये ऑप्शंस पे हिट करके चला कीजिए। ठीक है, टाइम नहीं तो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, था ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन और फालतू में आपका 10 मिनट अगर लेके चला गया तो एग्जाम 10 मिनट अगर तुमने एक क्वेश्चन को दे दिया तो वहीं समझ लो कि तुम्हारा बहुत सारा चांस क्या हो जाता है, कम हो जाता है सेलेक्ट होने का। ओके, सो टाइम को यहां नहीं बर्बाद करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन देयर कैन बी मोर डेविएशन इन द बिहेवियर ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो भैया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस का मतलब क्या हुआ कि उसके बीच किसी भी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, बिल्कुल जीरो है, मतलब वही जो एजम्पशंस होते हैं सारे के सारे वो फॉलो हो रहे हैं। तो वो कब नहीं फॉलो होंगे, अगर मान लो रियल गैस है, रियल गैस तो ये सारे एजम्पशंस को फॉलो नहीं करती, रियल गैस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, रियल गैसेस का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कम होता है। तो मैं कल बताया था ना कि आप रियल गैस को आइडियल गैस जैसा बना सकते हैं अगर आप उसको वो कंडीशंस प्रोवाइड कर दें, और वो कंडीशंस क्या है कि उसको इतना दूर कर दो, इतना दूर कर दो कि उसके बीच किसी भी तरीके का इंटरमोलिकुलर फोर्स बचे ही ना। तो दूर करने के लिए क्या करना होगा, प्रेशर कम करना होगा, प्रेशर कम करोगे तभी गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा पाएंगे। दूसरी चीज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट केवल किस पे होती है, टेम्परेचर पे होती है, तो आप उसका टेम्परेचर हाई कर दो, टेम्परेचर हाई कर दोगे खुद ही एक दूसरे से दूर जाने लगेगा अगर प्रेशर लो है तो। सो फेवरेबल कंडीशन क्या हो गई, फेवरेबल कंडीशन क्या हो गई, फेवरेबल कंडीशन हो गई कि अगर आप हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर रखते हो, ठीक है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर रखते हो तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो लेकिन यहां पूछा क्या है कि मोर डेविएशन शो कराना है, तो डेविएशन शो कराने के लिए जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा कि भैया तुम गैस को क्या कर दो, दबा दो, दबा दो मतलब हाई प्रेशर कर दो और काइनेटिक एनर्जी कम कर दो। ठीक है, सो ये उल्टा वाला केस पूछा हुआ है, तो यहां क्या करेक्ट हो जाएगा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सो मोर डेविएशन कैन बी शोन व्हेन दे आर क्लोज्ड एनफ। ठीक है, डेविएशन इज नॉट शोन व्हेन दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। और डेविएशन कब होगा, डेविएशन कब होगा, जब पास होंगे, डेविएशन कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी। सो यहां पे करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। सो मैंने बोला था ना कि दिमाग की बत्ती को खोले रखो, है ना, तो भैया तुम फरीद गलत आंसर बताए हो, है ना, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर में डेविएशन कम होगा। ठीक है, व्हेन देयर कैन बी मोर डेविएशन इन बिहेवियर ऑफ अ गैस, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो मोर डेविएशन, लेस डेविएशन नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो डेविएशन के लिए आपको लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन की भाषा में मत फंसिए। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा, एक बार यस लिख के भेज दो तो। बढ़ते हैं आगे।
द डेंसिटी ऑफ नियॉन गैस विल बी हाईएस्ट एट, है ना। सो डेंसिटी के लिए कल बताए थे हम पीएम इज इक्वल टू डीआरटी, एक इक्वेशन होता है ये आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का ही अलग फॉर्म है ना। सो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, पीएम अपॉन आरटी। सो सारी कंडीशन रख के चेक कर लो, है ना। नियॉन गैस है तो एम कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एम और आर कॉन्स्टेंट है यानी कि प्रोपोर्शनल होगा पी वाई टी पे, तो पी वाई टी जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, डेंसिटी होगा। तो यानी कि टेम्परेचर कम होना चाहिए और प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तो टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा यहां दिखाई दे रहा, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। समझ आ गया ये वाला, देखो कितना मक्खन लगा के इस क्वेश्चन को कर दिया हम लोग। प्रियदर्शनी साहब नहीं भैया, प्रियदर्शनी ये तीन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा, इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाई, बिकॉज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बाई टी एंड टी शुड बी स्मॉलर ना, टी जितना कम होगा पी जितना हाई होगा, डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। और खुद भी विजुलाइज भी कर सकते हो भाई, टेम्परेचर कम होगा तो पास पास आएगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो और पास पास आएगा, और एक गिवन वॉल्यूम में जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे डेंसिटी उतनी हाई होगी, ठीक है। सो पी हाई होना चाहिए और टी लेस होना चाहिए, समझ आई बात। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर एन आइडियल गैस, तो अभी अभी हमने बताया कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, यहीं से सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये तो गलत हो गया, है ना, क्योंकि ये पी एन इज इक्वल टू वी आर टी आ रहा है। अब देखो ये एम बाई एम एन आ जाएगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। और इसी को हम क्या लिखते हैं, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी लिखते हैं ना, तो ये करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। जितने लोग नए हैं उनको मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आप लोग ये तो जानते हैं ना पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को हम लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी, क्यों, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास। और इसी को लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी वन बाई एम आर टी, ये भी लिख सकते हैं। और डब्ल्यू बाई वी क्या होता है, डेंसिटी होता है, आर टी बाई एम, तो ये क्या हो जाएगा आपका d बाई एम इज इक्वल टू पी बाई आर टी हो जाएगा ना। कितने लोगों को नहीं समझ आया आप देख लीजिए, ये इस तरीके से हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैं थर्ड ऑप्शन को करेक्ट मार रहा हूं। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सब लोग पिछले क्वेश्चन के लिए यस या नो बोल दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। सब लोग पिछले क्वेश्चन में क्लियर हो, अगर क्लियर हो तो ही आगे बढ़ूंगा मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। यस या नो तो कुछ तो लिखो यार, है? ओके, देखिए कह रहा है कि अ बॉटल ऑफ ड्राई अमोनिया एंड अ बॉटल ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड कनेक्टेड थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब। तो भाई ये क्या कह रहा है, एक बोतल है इसमें ड्राई अमोनिया है और दूसरी बोतल है इसमें क्या है, ड्राई एससीएल है ना। सो जब अमोनिया और एससीएल मिलते हैं, अमोनिया गैस और एससीएल गैस मिलती है, तो क्या बनता है, अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी NH4Cl बनता है सॉलिड व्हाइट कलर का, है ना। तो कहां बनेगा, तो मान लो ये मिड पॉइंट है, इस P को हम मान लेते हैं मिड पॉइंट। अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है कि जो भाई भारी गैस होगी, हैवियर गैस, वो स्लो मूव करती है और जो लाइटर गैस होती है वो क्या होती है, फास्ट मूव करती है। तो अमोनिया का मोलर मास है 17, HCl का 36.5, मतलब HCl क्या है, हैवियर है, तो हैवियर है मतलब स्लो मूव करेगी। तो अगर गिवन टाइम में ये इतना चलती है, आधा दूर जितनी देर में ये चलेगा ये आधा ज्यादा क्रॉस कर जाएगा, तो मतलब इन अ गिवन टाइम ये ज्यादा पास आ जाएगी और ये इधर ही रहेगी, तो फॉर्मेशन जो होगा व्हाइट कलरेशन वो कहां होगा, HCl वाले साइड में होगा। सो नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड बोतल वहां पर व्हाइट कलर का अपीयरेंस सबसे पहले आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि HCl स्लो मूव करती है और अमोनिया क्या करती है, फास्ट मूव करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ लेसर मोलर मास, ठीक है। सो आपका क्या हो जाएगा, नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड बोतल व्हाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड, ऑप्शन टू विल बी करेक्ट। बढ़ते हैं आगे, सबको आ गया ना समझ में, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है।
ठीक है। इसमें जानते हो आईआईटी वगैरह में तो ये डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं, पूछ लेते हैं कि भैया ट्यूब इतनी लंबी थी तो बताओ ये कितनी डिस्टेंस पे होगा, तो वो भी कैलकुलेशन हो जाता है ना, तो वो और मजा आता है। लेकिन इतना मेडिकल लेवल के लिए इतना बहुत है ना, कि कहाँ बनेगा यहाँ बनेगा। बढ़ते हैं आगे, सब लोग ओके हो ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, चले आगे। देखो भाई, इन वंडरवॉल गैस इक्वेशन द स्टेट फॉर नॉन आइडियल गैस द टर्म दैट अकाउंट्स फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कल ही हमने समझा दिया था। दो टर्म आते हैं ए और बी, ठीक है। ए होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए और बी टर्म होता है साइज के लिए, समझे। तो और ये इसको कहां ऐड किया जाता है, पी में ऐड किया जाता है। पहले ये आइडियल गैस इक्वेशन पी इज इक्वल टू एनआरटी होती थी, आइडियल। और रियल गैस इक्वेशन क्या होती है, रियल गैस इक्वेशन होती है पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, एन नंबर ऑफ मोल्स है तो वन हो जाएगा, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी, समझे। ये होता है, तो इस हिसाब से आपका ये वाला करेक्ट होगा, क्योंकि यही है जो तुम्हारा किसके लिए अकाउंट करता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए अकाउंट करता है, ठीक है। ऋषिका अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, अच्छी बात है, थैंक यू, है ना। बस यही है कि यार ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो अच्छा लगेगा, वरना क्या पता, मुझे नहीं पता जो भी। तो प्लीज आप लोग इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, और प्लीज सब्सक्रिप्शन आना बहुत जरूरी है इस कोड पे, तभी ये सीरीज कंटिन्यू रह पाएगी। और ये कोड है मेरा SHUBH, तो प्लीज आप लोग, अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया तो कोई बात नहीं, आप अपने रिलेटिव्स के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी एन अकेडमी के थ्रू करना चाहता है वो प्लीज इस कोड को यूज करके करे, ठीक है, ताकि ये सीरीज आगे स्मूथ वे में चलती रहे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए आप लोग, है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये आज हेल्पफुल है तो कल भी हेल्पफुल रहे, ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोग की हेल्प कर सकूं। देखिए कह रहा है कि वान डेर वाल्स कॉन्स्टेंट ए हैज द डायमेंशन ऑफ, ये थोड़ा बहुत फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया, है ना। तो डायमेंशन में एक चीज होती है, देखो अभी मैंने बताया कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, और वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। एक पॉइंट होता है, पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, कि टू क्वांटिटीज विथ सेम यूनिट्स कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्ट। ये चीज ध्यान रखिएगा कि दो चीजें अगर आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं करते हो ना कि जो है 2 किलो आलू में जो है 4 मीटर जोड़ दो, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। लेंथ में आप मास को नहीं ऐड कर सकते, है ना, कि कोई बोल दे भैया ये लंबाई इतनी है, ये टेम्परेचर इतना है, तो टोटल इतना हो गया ना। लेंथ अगर हम ऐड कर रहे हैं तो लेंथ ही ऐड करेंगे और सेम यूनिट में ऐड करेंगे। प्रेशर हम ऐड कर रहे हैं तो केवल प्रेशर को ऐड कर सकते हैं। तो दो चीजें ऐड होने के लिए उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी जरूरी है। सो आओ, ए का यूनिट पूछा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम पी और ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं तो पी की यूनिट क्या होती है, पी की यूनिट क्या होती है, एटीएम होती है। ए की यूनिट हमको नहीं पता है, एन की यूनिट क्या होती है, मोल होती है, तो मोल स्क्वायर हो जाएगा। बी की यूनिट क्या होती है, लीटर होती है, तो लीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो आपका ए का यूनिट क्या आ जाएगा, एटीएम लीटर स्क्वायर मोल पावर माइनस टू। सो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। इस तरीके के क्वेश्चन में एकदम ध्यान से किया करो ना, नहीं तो गलत हो जाता है। और अब इसी में लगे हाथ हम बी का भी निकाल लेते हैं, बी माइनस एन बी, बी की यूनिट क्या होगी, तो बी की यूनिट होती है लीटर, एन की यूनिट होती है मोल, और बी की यूनिट हमको नहीं पता है, तो बी की यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर पर, लगे हाथ ये भी याद रख लो, लीटर पर मोल बी की यूनिट होती है। और ये समझ आ गया होगा सभी लोगों को। देखो अगला क्वेश्चन, वंडरवॉल फाउंड दैट टू अजम्पशंस मेड बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वेर रॉन्ग, वन ऑफ देम इज दैट गैस मॉलिक्यूल्स आर, ठीक है। तो उसने दो चीजें देखो गलत मानी थी, मैंने बताया था कल भी, 7 पॉइंट्स होते हैं केटीजी में टोटल, है ना। उसमें जो दो उसने माना था कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है, वो एक तो गलत हो गया था जिसके चलते प्रेशर में करेक्शन करना पड़ा था,
और दूसरा उसने माना था कि जो पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं उनका कोई वॉल्यूम सिग्निफिकेंट नहीं होता है, जबकि भाई पॉइंट पार्टिकल्स अगर आपके पास अरबों करोड़ों की संख्या में है तो उनका टोटल वॉल्यूम तो आपको सिग्निफिकेंट होगा ही ना। तो ये दो पॉइंट उसने गलत माने थे जिसके चलते पी और वी में करेक्शन करना पड़ा था। तो वेरी लार्ज कंप्रेसिबल स्फेरिकल 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 सही है, ये पॉइंट पार्टिकल्स विदाउट सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ये उसने गलत माना था, यानी कि ये वाला पॉइंट था, इट वॉज वन ऑफ द पॉइंट्स जिसके चलते आपको वान डर वाल गैस इक्वेशन में करेक्शन की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, ओके, तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। शाम को 8 PM हम लोग थर्ड पार्ट रखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का, ठीक है, और आई होप आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करने में अब दिक्कत नहीं आ रही होगी, जितने चैप्टर्स में करा दे रहा हूँ उतने न्यूमेरिकल्स हो जा रहे होंगे और प्रीवियस ईयर अच्छे से हो जा रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये सीरीज आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मेरी प्लीज बात आप लोग ये मानिए कि जो मैं कहता हूँ उतना करते जाइए, ये जितने भी वीडियोस लेक्चर्स आ रहे हैं इनको सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में फॉलो कीजिए। आप टेलीग्राम लिंक से जाइए, तुरंत इस PDF को अभी डाउनलोड कीजिए, जितना कराया गया एक बार तुरंत रिवाइज कर लीजिए। आता है नहीं आता है भले से कोई दिक्कत नहीं, आता है तब भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, नहीं आता है तो आप एक बार देखेंगे तो फिर से आ जाएगा वो, और उसके बावजूद नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ लिया कीजिए। ठीक है, पूछ लिया कीजिए, मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताने को राजी हूँ। ठीक है, और सिंसियरली फॉलो कीजिए, मतलब एक भी लेक्चर बीच में मिस मत करिएगा। और प्लीज ये वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पे अपने जान पहचान वालों में शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि जितने इसके व्यूज़ और ये सब बढ़ेंगे, ठीक है, जितनी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी उतना ही मुझे वीडियोज़ और बनाने का मौका मिलेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को 3,000 से 3,500 क्वेश्चन में पूरी केमिस्ट्री को रिवाइज करा दूँ, ताकि आने वाले समय में जब भी आप ये काम करते हैं, ठीक है, जब भी आप नीट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे अभी देने जाते हैं चाहे 2 साल बाद देने जाते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे कोड को यूज़ कर लीजिए SHUBH, है ना, आपका भी फ़ायदा है मेरा भी फ़ायदा है। और स्पेशल पे अब मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, है ना, और आज थोड़ा सा टेक्निकल इशूज़ के चलते कुछ समय आगे पीछे हुआ था, तो पहले लेक्चर में हो जाता है जल्दी, तो आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और आज के स्पेशल क्लास में मैंने एन फैक्टर कैलकुलेट करना सिखा दिया है, काम भर का सिखा दिया है, एन फैक्टर मतलब रेडॉक्स में जहाँ दिक्कत आती है वो सब सिखा दिया है। अगला जो मेरा स्पेशल क्लास होगा वो कल या परसों में होगा, और वहाँ मैं यही इक्विवेलेंट के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, एन फैक्टर कैलकुलेशन की इक्विवेलेंट की और इक्विवेलेंट मास की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसको जितना से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल से जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टेलीग्राम लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग जाके उसको कलेक्ट कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जो आपका फीडबैक फॉर्म दिया हुआ है उसको प्लीज़ आप लोग भर दीजिए, किसी ने अभी तक भरा नहीं है। ठीक है, वो मुझे पता चलता रहता है, तो प्लीज़ आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में, अगर अच्छा लग रहा है आपको लेक्चर तो प्लीज़ आपके जाके वो डिस्क्रिप्शन में जो फीडबैक फॉर्म दिया हुआ है उसको जरूर भरिए, और ये कोड आप अपने रिलेटिव से, अपने जान पहचान वालों से, या आप खुद प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जरूर यूज़ करवाइए। ठीक है, बाकी थैंक यू, मिलते हैं शाम 8 बजे स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट 3 के साथ। ओके,